संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। आज से हम वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है हमारे पीछे जो हम अध्ययन करा रहे हैं आपको अच्छे समझ में आ रही होगी और हमारे ये पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि वैदिक साहित्य को आप बड़े अच्छे से सरलतम विधि से सीख सकें। ये हमारा पूरा यहाँ पर ध्यान रहेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख लेता हूँ, वैदिक साहित्य का इतिहास। जैसे संस्कृत साहित्य का इतिहास होता है वैसे ही वैदिक साहित्य का भी इतिहास होता है। हमारे संस्कृत दो प्रकार की होती है, एक लौकिक संस्कृत एक वैदिक संस्कृत। तो वैदिक साहित्य का इतिहास में वेद से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं, वेद को अध्ययन कराने में जो सहायक हैं, उनका विस्तृत जो व्याख्याएं की गई हैं, वो सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। वो कौन कौन सी आती हैं हम आने वाले समय में अधिक से जान पाएंगे। वैदिक साहित्य का इतिहास जानने से पहले हम वेद शब्द पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज हमारा मुख्य विषय वेद शब्द को ही समझाने का रहेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, तो देखते हैं। वेद शब्द जो है विद धातु घे प्रत्यय, इसको बोलते हैं विद ज्ञाने, है ना। विद धातु में घे प्रत्यय लगने से बनता है, मतलब होता है इसका ज्ञान, ठीक है। अब वेद का शब्द का जो अर्थ है, मुख्य अर्थ, वो है ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह, ठीक है। तो वेद शब्द से हमने तात्पर्य मिल गया हमें कि वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह। सभी क्षेत्रों में जितने भी ये क्षेत्र हैं उनका सभी ज्ञान हमें वेदों से मिल सकता है, इसलिए वेद जो हैं संपूर्ण ज्ञान के द्योतक हैं। सभी जितने भी ज्ञान हैं वो वेदों से हमें प्राप्त हो जाता है। अब वेद शब्द को व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, चार धातुएं हैं जो वेद शब्द को दर्शाने का दर्शाया है। वेद को पहली धातु है वेद सत्तायाम, दूसरी है वेद ज्ञाने, तीसरी है वेद विचारणे और चौथी है वेदलरी लाभे। और इनके अर्थ हैं, थोड़ा अर्थ भी जान लेते हैं। विद सत्तायाम का मतलब होता है होना, ठीक है। ज्ञान का मतलब होता है जानना, विचारना, विचारने का मतलब सीधा है, और लाभे का मतलब होता है प्राप्त करना। इस तरह से ये सारे अर्थों को होना, जानना, विचारना, प्राप्त करना, ये वेद के लिए ही प्रयोग किए गए हैं, अर्थात वेद सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इनके अर्थ कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे क्या होता है, वो हम अभी जानेंगे इसमें। अब थोड़ा सा हम इसमें एक कार्य का है, मैं इसको बता दूं, जब अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कर लें, मेरा सिर्फ उद्देश्य यही रहता है थोड़ा अच्छे से अध्ययन कर पाएँ। एक कार्य का है सिद्धांत कौमुदी में मुख्य रूप से इसमें दे रखी है, उसे देख लेते हैं। इसी के लिए पूरी इसके लिए है कार्य का हमें दे रखा है सत्तायाम विद्यते ज्ञाने सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति वेत्ति विन्ते विचारणे ठीक है सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दन्ति
विन्दते प्राप्तौ शयनलोक शयनलोकशनम शेषविदं क्रमाद। ठीक है, ये है। दोबारा से एक बार और देख लें इसको। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, इसका मतलब ये आ गया। वेत्ति विन्ते विचारणे, विचारणे करने का, जानने का आ गया दोनों में, इसमें ज्ञान जानना। विन्दन्ति विन्दते प्राप्तौ शयन लोक क्षणम शेषविदं क्रमाद। शेषविदं, वाह है ये। ठीक है, अब ये जो दे रखा है, मैंने ऐसे ही इसको बताने का प्रयास किया है। दरअसल ये इसको धातुओं को बनाने का एक नियम है, लेकिन ये कारक अगर याद हो जाएगी तो हमें ये भी हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसको अगर आप कंठस्थ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते व्राप्तौ शयनलोकक्षणम शेषविदं क्रमाद। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो और हम अधिक जानकारी के लिए इसी के देखते हुए ऋग्वेद प्रातिशाख्य एक है, उसमें इसी को कारिका को छोटा करते हुए विष्णुमित्र जी हैं, उन्होंने एक वाक्य बनाया है वेद को समझाने के लिए बड़े अच्छे से, तो उसको देखेंगे। मैं इसको पहले मिटा दूं। आ जाता है ये कभी कभी, इनके बारे में थोड़ी सी पूछ लेते हैं। विष्णुमित्र जी ने लिखा है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर् धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। तो यहां पर हम देखते हैं, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। तो ये जो पंक्ति है वो कहती है, धर्म आदि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ माने गए हैं मनुष्यों के, और सारा जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। या तो धर्म के लिए जीते हैं, अर्थ, धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, और मोक्ष की भी आवश्यकता होती है। जो इन चारों के लिए जीते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ए भी धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा, जो इन चारों के बारे में सत्ता का भान कराए, जानकारी दे उसके विषय में, और उसको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की सर्वांगीण प्राप्ति की, या यों कहिए कि सभी को प्राप्त करने में जो सहायक होते हैं वो वेद हैं। इसका सीधा तात्पर्य है। तो वेद शब्द हमने थोड़ा सा जाना है, इसी में है कड़ी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो वेद की एक और परिभाषा है, सायणाचार्य एक ऋषि हुए हैं, ऋषि ही मानता हूँ मैं उनको, हालांकि सायणाचार्य जो थे हरिहर बुक्का नाम के दो राजा थे, दोनों भाई थे, उनके ही राज्य में रहा करते थे। अपने भाई माधव के कहने पर उन्होंने वेदों के सभी संहिताओं का लगभग, और सामवेद के ब्राह्मणों का, और लगभग संपूर्ण वैदिक साहित्य का भाष्य किया, और इतना विस्तृत भाष्य मुझे नहीं लगता किसी और ने किया है। तो सायणाचार्य ने भी तैत्तिरीय संहिताओं के भाष्य में वेद को एक अर्थ देने का प्रयास किया है, तो उसे देख लेते हैं। इष्ट प्राप्त निष्ट परिहार, इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार और लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति।
साविदा। इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार्य लौकिकम उपायम योग ग्रंथो वेदिति सावेदा। तो वेद की इन्होंने परिभाषा की है, इष्ट प्राप्त अनिष्ट निवारण, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण अलौकिक उपायम का, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण का उपाय कौन सा होना चाहिए, अलौकिक जो उपाय है, ऐसा बताने वाले जो ग्रंथ हैं, ऐसा बताने वाला जो ग्रंथ है उसी का नाम वेद है। इष्ट प्राप्त अनिष्ट निवारण को बताने वाला, अलौकिक उपाय बताने वाला, लौकिक उपाय नहीं, अलौकिक उपाय जो बताए उसी का नाम ग्रंथ है, उसी ग्रंथ का नाम क्या है, वेद है। तो वेद शब्द की हमने तीन तरह से, चार तरह से देख लिया, वेद विद घे केवल इतने से देख लिया है ना, घे धातु लगने से, विद सत्तायाम से, विद ज्ञान से, विद विचारण से, विद विदल लाभे से, इन चारों व्याकरण की पद्धति से भी हमने जाना विद शब्द का अर्थ, और विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते ए भी धर्मादि पुरुषार्था इति वेधा, ये विष्णु मित्र के द्वारा वेद की परिभाषा की गई है, वो बिल्कुल व्याकरण की पद्धति के अनुसार ही है जो हमने कारिका को देखा था। और इन्होंने इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार लौकिकम यो ग्रंथो उपायम यो ग्रंथो वेदिति सा वेधा, इस तरह से इन्होंने वेद का दिया है। तो यहाँ वेद शब्द से हमने अच्छे से जान लिया कि वेद शब्द का मतलब क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना, सारी चीजें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। अब हम इनके थोड़े से वेद के कुछ और भी नाम हैं, वेद शब्द तो है ही है, वेद को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, वो कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, तब हम उसको वेद के शब्दों के नाम देखते हैं। देखिए, वेद के लिए श्रुति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। श्रुति का मतलब होता है जो सुन करके स्मृति जिनकी रखी जाए, जिनको सुन लिया जाए फिर उसको स्मृति रखी जाए, इसलिए श्रुति शब्द वेद के लिए भी प्रयोग किया गया। वेद के साथ साथ ये ब्राह्मण और उपनिषदों के लिए भी श्रुति शब्द के लिए श्रुति शब्द प्रयोग किया गया है। तो हमें याद रखना है, श्रुति शब्द वेद के लिए, ब्राह्मण और उपनिषदों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा इनका नाम दिया है निगम। निगम का मतलब होता है सार्थक, ठीक है, अर्थबोधक। तो निगम का मतलब क्या हो गया, सार्थक या अर्थबोधक। वेद वो हैं जो सार्थक हैं, जो अर्थबोधक हैं, है ना। तीसरा इनका नाम आता है आगम। आगम के लिए वेद और शास्त्र दोनों के लिए आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है नाम आपको याद हो जाएंगे, ऐसे ही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चौथे नंबर पे हमने देखा है इनके लिए त्रय भी बोला जाता है। अब त्रय में थोड़ी सी यहाँ समस्या है, त्रय से कुछ लोग तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही लेते हैं, अथर्वेद को इसमें नहीं गिना गया है, लेकिन मीमांसा दर्शन के अनुसार, पूर्व मीमांसा जिसमें यज्ञ वगैरह के बारे में जो अध्ययन बताया गया है, एक है उत्तर मीमांसा जो वेदांत है, वेदांत दर्शन का मूल है, उत्तर मीमांसा नहीं पूर्व मीमांसा की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो उसमें त्रय से उनकी जो ऋचाएँ हैं उनके बारे में बताया गया है, गद्यात्मक, पद्यात्मक और संगीतात्मक, ये तीन ऋचाओं, तीन प्रकार से जो गाया जाता है, गायन की जो पद्धति है उसको त्रय माना है। और त्रय मान करके इन्होंने चारों वेद को मीमांसा के अनुसार चारों वेदों को त्रय के अंतर्गत रखा है, ठीक है। अब हम पाँचवें पर चलते हैं। पाँचवें को नाम लिया गया है छंदस भी इनको बोला जाता है। पाणिनि जी ने जब भी अष्टाध्यायी में, क्योंकि अष्टाध्यायी लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों के लिए ही है वो, तो जब भी लौकिक संस्कृत से हटकर के वैदिक संस्कृत के बारे में कोई सूत्र आता है तो बहुल छंदसी ऐसा प्रयोग करते हैं वो। बहुल छंदसी प्रयोग करने से पता चलता है कि छंदस जो है वो वेद के लिए ही प्रयोग किया गया है। एक नाम और इनका मिलता है आमनाय, है ना। ये आमनाय जो है मनाभ्यासे ये है,
मनाभ्यासे, मनाभ्यासे से ये प्रयोग किया गया है। मनाभ्यासे का मतलब होता है वेदों का हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। उस प्रतिदिन अभ्यास शब्द किसे इसे उनको आमनाय बोला गया, अर्थात वो ग्रंथ जिनका रोजाना प्रतिदिन अभ्यास किया जाए वो आमना है, और आमना वेदों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक और शब्द है इनके लिए, एक शब्द क्या है, स्वाध्याय। ठीक है, ये स्वाध्याय शब्द का भी प्रयोग किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय शब्द वेद के लिए प्रयोग किया गया है। तो आज हमने थोड़ी सी यहाँ चर्चा की, अब वेद शब्द कितने हो गए, श्रुति भी बोला जाता है, निगम भी बोला जाता है, आगम भी बोला जाता है, त्रय भी, छंदस, आमना, स्वाध्याय, इस तरह से हमने वेदों के शब्दों के बारे में जाना, वेद के अर्थ के बारे में जाना, क्योंकि वेद शब्द घें प्रत्यय लगने से ही बनता है, और हमने चार व्याकरण की पद्धति से जाना। विष्णु मित्र जी ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य में जो वेद का अर्थ दिया है उसके अनुसार भी थोड़ा सा जाना, और शायणाचार्य जी ने जो तैत्तिरीय संहिता का जो भाष्य है किया है उसकी भूमिका में वेद शब्द के अर्थ को समझाने का प्रयास किया है, इष्ट वाला, इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहारे और लौकिकम यो ग्रंथो वेदिति सा वेदा। इस तरह से वैदिक साहित्य की शुरुआत, अब हम जो भूमिका थी, मैं इसको भूमिका मानता हूँ, तो भूमिका मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में वैदिक साहित्य को एक एक खंड को लेकर के उसका विस्तृत अध्ययन किया जाए, क्योंकि जब तक विस्तृत अध्ययन नहीं किया जाएगा उससे प्रश्न कहीं कहीं ना से पूछ लिए जाते हैं, और वो पूछने पर वो प्रश्न अवश्य छूट जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।